वायरस चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। यही नहीं, बड़े से बड़े देशों को तबाह भी कर चुका है। वहीं बताया जा रहा था कि चीन अब पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो चुका है, लेकिन अब दोबारा चीन में कोरोना फैलना शुरू हो गया है। कोरोना मामलों के सामने आने पर चीन की राजधानी बीजिंग के कुछ हिस्सों को दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 और मामले सामने आए हैं। इसके अलावा चीन में 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने बीजिंग में स्कूलों की 1 से 3 कक्षाएं खोलने की योजना स्थगित कर दी। बीजिंग में स्थानीय स्तर पर संक्रमित आखिरी मरीज को 9 जून को अस्पताल से छुट्टी देने के बाद शहर सामान्य जनजीवन की ओर लौट रहा था। ऐसे में दोबारा कोरोना मरीज के मिलने के बाद सरकार को भी अब चिंता सताने लगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग में मिलने वाले दोनों मरीज चाइना मीट फूड रिसर्च सेंटर के कर्मचारी है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.